मिलती है, रम चाय मिलती है, रेड वाइन चाय मिलती है जी, बिल्कुल। डालते हो उसमें या क्या करते हो? पंजाबी है तो वो थोड़ा बहुत टच होगा ना। सही बात, टच होगा पंजाबी है तो उस चीज का टच तो होगा। देखो आज मनिंदर भुट्टो स्टेज पर आने वाले, थोड़ी सी इश्क की बातें होंगी, थोड़ी सी माशूक की बातें होंगी, थोड़ी सी रांझे की बातें, थोड़ी सी हूर की बातें होंगी होंगी ना, और तुम सब सुनने के लिए एक्साइटेड हो। झुकेगा नहीं? झुकना भी नहीं, क्योंकि जो पीछे क्या छोड़ो। हाँ मतलब तुम लड़कियों के अंदर की जो शीला बाहर निकल के आ रही है ना, उसको आने दो, कोई बात नहीं। हाँ तुम्हारा भी अनुष भी बाहर आ रहा है, मुझे पता है, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग बकलोल जनता, वेलकम बैक टू द बकलोल टीवी व्लॉग्स। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 12:15 बजे एंड हम सुबह से ऑफिस आ चुके थे 11 बजे से ही, एंड फिलहाल मैं और मेरे साथ है जानवी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाँ बस सुन लिया उन्होंने, तो हमें और जानवी जा रहे हैं शास्त्री नगर वाली साइड। फिलहाल वहाँ पर आज एक कैफे की ओपनिंग हो रही है, तो हमें इन्वाइट किया था तो हम जा रहे हैं वहीं पे। आपको बताते हैं क्या है कैफे। वैसे संडे है यार, तुम सब लोग मजे कर रहे होंगे जिंदगी में, मतलब संडे बना रहे होंगे। मेरी जिंदगी में नो संडेज, नो हॉलीडेज, सिर्फ काम। तो चलो फिलहाल करते हैं आज के दिन की शुरुआत भोले बाबा जी के नाम लेके, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। सो टीम ऑफ या 295 फ्लेवर ऑफ रिलैक्सेशन, ये शास्त्री नगर में खुला है। ये शास्त्री नगर मोड़ है, यहाँ से दूधाधारी मंदिर की तरफ रास्ता जाता है। आज ओपनिंग है, चलो फिर चलते हैं। 295 सिद्धू मूसे वाला से इंस्पायर्ड है। जानवी लेट्स हैव सम सैंडविच। चीज मुझे ये ले, खा ले, ये ले, अपना अपना खुद खाओ। चीयर्स। तो हमने मंगाई है 2 बियर चाय। बियर होती है ठंडी, चाय होती है गर्म। तो ये क्या होगी, ठंडी होगी गर्म? लेकिन जानवी तुझे कैसे पता बियर ठंडी होती है? देखी है ना। देखने से तो पता नहीं लगता, धुआं नहीं निकल रहा था। धुआं धुआं तो गर्म चीजों से निकलता है। हाँ देखिए ठंडी होती है। वो कोई सेंसेस बात की, मुझे तो नहीं पता था भाई बियर नहीं पता यार, सबको सबको पता होता है ऐसी बात। ये तो चलो देखते हैं बियर चाय ठंडी है गर्म है, कैसी क्या कैसी है। तो भाई हमारी बियर चाय आ चुकी है, ये रही हमारी बियर चाय। अब टेस्ट करते हैं भाई बियर वाली चाय कैसी होती है। यार इसमें तो टेस्ट आ रहा है, खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है बियर की तरह। मतलब मुझे पता नहीं है कैसा होता टेस्ट बियर का, बट स्टिल सीरियसली यार मस्त। तो यार एक नंबर जाया है। तो हमारे रवजोत भाई आ चुके हैं अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के। सिद्धू मूसे वाले के फैन हैं ये मैंने सुनने में आया, आप भी हो? हाँ मैं भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, सारे ही उनका फैन को कौन नहीं, कौन नहीं है, सभी फैन हो। तो नया गाना सुना मेरा ना? बिल्कुल सुना। लिरिक्स याद हुए? कल पोस्ट भी डाली है मैंने, पोस्ट भी आज सुनाओगे हमें? लिरिक्स तो नहीं हुए इसलिए, क्योंकि कल ही रिलीज हुए ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। तो मनमीत कौर जी हमारे साथ जिनका ये कैफे है। मैम कैसे हो आप? ठीक हूँ, बढ़िया, आप बताएं। बहुत बढ़िया। ये मतलब टीम माफिया 295 ये क्या सोच के नाम रखा आपने? सिद्धू मूसेवाला की फैन। क्या बात, सिद्धू मूसेवाला के फैन हो जी? बिल्कुल। आप भी? बिल्कुल। गाने सुनते हो? बिल्कुल। सुना दो फिर एक। दिल दानी माड़ा सिद्धू मूसेवाला। क्या बात है, क्या बात है। क्या स्पेशल किया आपने इस कैफे में 295 में? स्पेशल बहुत कुछ स्पेशल है, बहुत सारी मतलब वैरायटी है चाय की, हेज़लनट्स है। हां मैंने सुना भी यहां, मतलब यहां पे ना बियर चाय मिलती है, व्हिस्की चाय मिलती है, रम चाय मिलती है, रेड वाइन चाय मिलती है जी, बिल्कुल। डालते हो उसमें या क्या करते हो? पंजाबी है तो वो थोड़ा बहुत टच तो होगा ना। सही बात, टच तो होगा ना, पंजाबी है तो उस चीज का टच तो होगा ही। बहुत बढ़िया, लेकिन वो उसमें वैसा नॉन अल्कोहलिक होती ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप ट्राई करके देखो। चलो ठीक है फिर हम ट्राई करते हैं। हमारी सोनाली डोगरा जी की हालत थोड़ी सी खराब है, आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही है, तो इनको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, बस आपने बोलना है बेस्ट विशेस। हां बिल्कुल बेस्ट विशेस। और मैं सौरभ को तो मैं वैसे ही फैन हूं उनकी, तो बस यही कहूंगी कि डी माफिया 295 295 295 सिद्धू मूसेवाला बिल्कुल। सो इनको मेरी ओर से बहुत मुबारकबाद, और आज हमने ये इनॉग्रेट किया है यहाँ पे डी माफिया 295 शास्त्री नगर। हाँ बस आप ज्यादा नहीं बोल, मैं समझा दूँ, बस आप रस्ते मिलूगी। 295 में जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। तालियां।
तो सारे काम खत्म हो चुके हैं शाम के बजे 5, शो अपना 7 बजे शुरू हुआ। आज महेंद्र बुट्टर आने वाले हैं IIT, लेकिन उससे पहले कुछ दोस्तों को पिक करना है हमने, तो वहीं पे अभी निकलेंगे ऑफिस से, सबको पिक करते हुए और फिर चलते हैं IIT जम्मू। हाय ईशु। हेलो, कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया, खूबसूरत। खूबसूरत तो तुम माशाल्लाह बला की हो। तो फिलहाल ईशु को आइटम पिक करने के लिए तालाब तिल्ला वाली साइड, बहुत दूर है इसका घर, और 6 बज चुके हैं, 5:55 टू बी एग्जैक्ट। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे जानवी और रजत को पिक करते हुए। ये सब मेरी वजह से लेट हो गया। मैंने कहा तैयार हो जा 20 मिनट में, कहता कम से कम 20-30 साल का तो टाइम देना बाबा। हमारी मीम में कुछ ज्यादा ही चल रही है आजकल, बापर का कुछ ज्यादा मीम शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम। इतनी दूर चला के लाया मुझे तेरी गली में घुसाते, गाड़ी जहाँ पे घुस नहीं सकती उधर तक तो लाते। जल्दी चलो, 6:30 बज गए हैं यार। इधर मल्टीपल खुशबू आ रही हैं। हाँ, इधर से अलग परफ्यूम, उधर से अलग, हमने डाली नहीं। हमें गलत बात है, हम नेचुरल नहाते हैं ना रोज ही। मेरे को पता कितना टाइम दिया उन्होंने तैयार होने का, गिन के 2.5 मिनट। झूठ क्या बोल, 10 मिनट बोल, जो भी था ठीक है, इसको पता है, इसको पता है, इसको पता है, इसलिए पता है। ओह हाय, जानवी, इशू जानवी, ठीक है, इशू देख रही है, अब कराएगा। नहीं, मैं खुद बुला लेती हूँ, बट आप बात कर रहे हैं। हाँ, कितनी प्यारी, इधर देख के बोलना, इधर मेरी तरफ देखना, तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी सारी, लड़कियों को अपनी प्रोफाइल की टेंशन, इधर हम मुंह धोते ऐसे ऐसे आ जाते। हेलो, सो IIT पहुंच चुके हम, नाउ लेट्स गो, लेट्स एंटर। सर जी, लो सर जी, आज लास्ट दिन है फिर सर, कल छुट्टी आ गया, कल भी करना। अच्छा, पहले से पहुंचे हुए हो भाई। हाँ, आप जैसे भाई प्यार से बुलाएं तो क्यों ना आए। और भैया सर ठीक है? बढ़िया ठीक ठाक सर, ठीक बढ़िया ठीक हो भाजी, ठीक हो और भैया कैसे? बढ़िया, ऑल गुड। चलो फिर अंदर। सो ये अपना स्टेज सेटअप यहाँ पे करने वाले आज हम रॉक महेंद्र बुट्टर के साथ। चलो बैक स्टेज ही चलो। आदित्य भाई, आशीष भाई, मेरे ड्रम स्टिक्स कहाँ हैं? जल्दी लाओ यार, ड्रम बजाना मेरे को, कहाँ है? अभी ढूंढ रहा था। नहीं है, चलो खैर रहने दो, बाद में बजा लेंगे। जय माता दी। चलो गाइस शो शुरू करते हैं अब। बाजी जैकलिन बाद च देखियो, माइक देऊंगी। और जनाब ठीक हो? IPL देख रहा हूं। कोई चक्कर नहीं, देखे 5 छक्के रिंकू दे, क्योंकि तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा प्यारी होती है। बच वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल इवनिंग, एक बार जोरदार ताली हो जाए, कम ऑन। सबसे पहले यार जितनी भी अपनी जनता, जितने भी ऑडियंस मेरे सामने, थोड़ी सी इधर उधर है, थोड़ी सी करीब आ जाए, क्योंकि शो जो है हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। वैसे वो वहां पे ना नीचे बैठे हैं सर्कल मार के, ऐसे लग रहा है जैसे ताश खेलेंगे अभी। मैं ग्लास ब्लूज का इंतजाम कर दू? नहीं, आ जाओ फिर, यहाँ पे शो शुरू होने वाला है। Come on guys, give me a loud cheer. क्या बात है? ओके, जानी महेंद्र बुट्टो के कितने फैंस हैं यहाँ पर? अबे सुनो, मेरी बात सुनो, तुम रोज मेरे लिए ना करते हो चलेगा, उनके लिए ना करोगे तो स्टेज पर आके गाने अच्छे नहीं सुनाएंगे, तो फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा। कम ऑन, महेंद्र बुट्टो के कितने फैंस हैं यहाँ पर? लड़कियां तो ज्यादा ही होंगी मुझे लगता है ना, लड़कियां तो होंगी ही, लड़के भी होंगे, क्योंकि लड़के तो ज्यादा गाने सुनते होंगे ना, कितने कल्ली ओ बह बह के। हाँ, लेकिन मैं भाई बता दो, नहीं करती हो याद, उसको दूसरा मिल गया होगा, ठीक है, तो खुद कल्ले बह के ऐसा कभी कुछ नहीं करना होता। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा यार, तुम लोग बहुत ज्यादा प्यारे हो, सो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइडियाज कम ऑन। देखो आज महेंद्र बुट्टो स्टेज पर आने वाले, थोड़ी सी इश्क की बातें होंगी, थोड़ी सी माशूक की बातें होंगी, थोड़ी सी रांझे की बातें, थोड़ी सी हूर की बातें होंगी ना, और तुम सब सुनने के लिए एक्साइटेड हो? दोबारा कर,
सुनेंगे, सिर्फ इसकी आवाज सुनेंगे। सारे चुप चुप, खामोश खामोश। ओके हाँ भाई करना। क्या बात है यार, क्या बात है, बताली होने इसके लिए, ताली होने। अच्छा ये ऐसा यूनिक टैलेंट इसकी तरह किसी और में है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल शो करवा सकता हूँ। किसमें है? झुकेगा नहीं? झुकना भी नहीं क्योंकि जो पीछे क्या छोड़ो। हाँ मतलब हाँ, तो ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। बहुत ही पारिवारिक माहौल है यहाँ पर। तुम लड़कियों के अंदर की जो शीला बाहर निकल के आ रही है ना, उसको आने दो, कोई बात नहीं। हाँ तुम्हारा भी अनुष भी बाहर आ रहा है, मुझे पता है, कोई बात नहीं। लेकिन उनकी शीला बाहर आए, तुम अपन अंदर रखो, ठीक है? क्या बोल रही है? शंकर कौन है? शंकर, अरे शंकर, तुम्हारा नाम शंकर है? तभी जोर से चिल्ला रहे थे, एक बार फिर से चिल्लाना। किसी एक्साइटमेंट दिखा दो यार मुझे, कम ऑन, शो मी योर एक्साइटमेंट। ये कौन था तू? ए शंकर, क्या सिखा दिया तूने छोटे बच्चे को? वो भी उल्लू उल्लू कर रहा है कुछ। गाइस साउंड चेक इज डन, एंड कुछ ही देर के बाद हमारे बीच होंगे मनिंदर बुट्टा। लेकिन उससे पहले आप सबको भी एक्साइटमेंट जो है वो शो करनी पड़ेगी। सो कम ऑन गाइस, आर यू एक्साइटेड? ओके, सो कौन सा गाना ज्यादा सुनने के लिए एक्साइटेड हो? मैं तो लारे सुनने के लिए एक्साइटेड हूं। मेरी तरह कोई है सखियां? ओके ओके, अगर सुनने के लिए एक्साइटेड हो तो मैं लिरिक्स भी मालूम होंगे ना, मेरे साथ गाए। तेरे यार बथेरे ने, प्लीज कुछ गाना सुनिए ना, एंड थोड़ा सा हल्ला मचा दो। ये हल्ला के गाने सुन के हम इश्क का जश्न मनाते हैं। तालियां उधर हल्ले कुल्ले शोर के साथ स्वागत कीजिए स्टेज पर मनिंदर बुट्टा के गुरु के जोरदार तालियां। बताता है बस फिक्र नहीं, सगड़ा हो खाली हाथ जल्दी जाए।
भाई लोग 10:15 बज चुके हैं, शो खत्म हो चुका और बहुत ज्यादा मजा आया। मतलब इतना नाचे ना आज हम, इतना कितना नाचे, बहुत ज्यादा मजा आया। आज इशू भी हमारे साथ नाची, हालांकि ये नाचती नहीं है, छोटी सी शायद लड़की है ये। नहीं, आप लोगों ने देख लिया ना, बहुत भयंकर लड़की है, बहुत भयंकर है। तो यार फिलहाल निकलते हैं आईडी से, अब जाएंगे हम अपने अपने घर, बहुत थक चुके हैं। तो यहीं पे करेंगे इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं कल। बहुत बैक टू बैक इवेंट्स हो गए, बहुत थकावट है, रेस्ट तो ऐसे होगी नहीं, कल भी काम है बहुत सारे। तो चलो फिलहाल यार कर रहे हैं आज के ब्लॉग का एंड, और आईआईटी को बोलेंगे बाय। अब नेक्स्ट फेस्ट जब होगा, अगर बुलाएंगे तो फिर आएंगे हम, बट फिलहाल के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।